भैया लूच ले तो लीड ना बनो ले लूच ले तो लीड लगा दे भैया सैनिक जो प्राणों को खोते हैं हम उनकी बदौलत ही यहाँ चैन से सोते हैं। सीमा से सैनिक जो प्राणों को खोते हैं हम उनकी बदौलत ही यहाँ चैन से सोते हैं। जो लुटा गए अपनी उस भरी जवानी को माथे वो सच्चे लाल तुमको मान दे गए वतन के लिए जो वतन के लिए जो जान दे गए जान दे गए करूनी को नमन जो बलिदान दे गए वतन के लिए जो जान दे गए करूनी को नमन जो बलिदान दे गए वतन के लिए जो झेल रहे थे गोली जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदों के उठा के दस दस को एक न मारा फिर गिर गए होश गवा के हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को रखना सलामत अपना वतन ज्ञान दे गए वतन के लिए जो वतन के लिए जो जान दे गए करूनी को नमन जो बलिदान दे गए वतन के लिए जो जान दे मन जो बलिदान दे गए वतन के लिए जो इस प्रश्न पर खुश होकर हदीसा के प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो बच्चियां पुरस्कार ग्रहण करें। इसके बाद संजना फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पर आए संजना Thank you.
बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, और इसके लिए हदीसा के प्रधान जी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार, जय हिंद भैया की ओर से 50 रुपये का पुरस्कार और संतारा जी की तरफ से 50 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बच्ची अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अब मैं मंच पर एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिन्होंने हम सभी टीचर्स का सदैव से ही मार्गदर्शन किया हुआ है और इस विद्यालय पर पूर्व अध्यापक और विद्यालय के वशिष्ठ अध्यापक हैं। माननीय श्री रामलखन सर स्टेज पर आए और हमारे बच्चों को कुछ बातें बोले। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। लेकिन हमने पहले बाकी लाना अच्छा ध्यान पूर्वक सर की बातों को सुनिएगा आप लोग। हाँ जा बात जा बहुत ना कही जाता मेरा आदरणीय प्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान अतिथिगण और यहाँ के उपस्थित सभी शिक्षकगण और प्रस्तुत सभी बच्चों को बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे जो बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया है उनको आज धन्यवाद देता हूँ। कि बच्चों आज सभी बच्चे शांति बनाए रखें। 26 जनवरी मना रहे हैं। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हम उन अमर शहीदों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बलबेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र बनाया और क्रूर निर्दयी शासक अंग्रेजों के शासन को भगाया, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। आज पूरे देश में 26 जनवरी मनाई जा रही है और जरा आप लोग अपना हल्ला शांत कर लिए। प्रिय बच्चों सभी बच्चे शांति बनाए रखें। गणेश हम एक बात बताना चाहते हैं कि हमने आइडियल फॉर सिलेक्शन आदर्श गद्य संकलन का एक लेसन आपको सुनाने जा रहे हैं एंड इसमें ये लिखा है इफ यू वांट टू इंटर द किंगडम ऑफ गॉड हार्ड टू अचीव हार्ड टू बी टू गॉड यू शुड बैक योर हार्ट टच द राइट लाइक डिवीन चिल्ड्रन। मतलब ये कि अगर आप ईश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं और ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो तुम्हें अपना हृदय उतना शुद्ध बनाना चाहिए जितना कि छोटे बच्चों का। आज छोटे बच्चों का भविष्य मैं देख रहा हूँ इतना वो हो रहा है कि जितना उनका लोड नहीं है उतना बड़ा उन्हें पैसा होना पड़ रहा है। हम लोग भी पढ़े हैं एक छोटी सी किताब लेकर हैं अपना उस समय जबकि हमारा देश गुलामी से जूझने के बाद स्वतंत्र हुआ था हैं तो हम लोग नंगे पैर चलते थे और तमाम की धूल रेहों से अपना कपड़ा साफ करते हैं। आज हम इस पोजीशन में हैं। पहले आप
अपनी जनरेशन को अपना कैसे सभी बच्चे शांति बनाए रखें उसके बारे में जानिए। उत्पन्न हुए जीवाणु पहले पहले पानी से, धीरे धीरे लाखों आए मोर कहानी में, सांप समुद्र हैं कैसे मछली आदि पानी के अंदर आए, पृथ्वी पर अपने दादा भालू बंदर हाथी घोड़ा शेर घोर आए हैं। धीरे धीरे जब बढ़ने लगी देश की आज़ादी, खाने पीने की रही नहीं, जब थोड़ी सी आज़ादी हैं, सभी लोग शांति बनाए रखे और अपनी जगह से ना जाए। अबे तुम तो बोलो भाई, बैठे सब, ओए बैठ जा यार, ओए छोटे बैठ जा ना, तो डंडे लाने है क्या, बैठ जा। सभी लोग आ जाए पहले, हुआ क्या है, अबे बंद कर, बैठ सर। अबे यहाँ टीचर कहाँ है सर, घर है यहाँ का टीचर हमारी की है वो नव की है। हाँ प्रिय बच्चों, हम सभी बच्चे बैठ जाए अपने अपने स्थान पर, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, कोई पीछे नहीं देखेगा। बंदर लगा पैरों पर से उतर पड़े, अपनी पिछली टांगों पर दोनों पैरों पर बैठे, जो भी टीचर्स पीछे हैं बच्चों को बैठा दे पीछे। अच्छा भाई यार, तुम तो अलाउंस कर दो यार, तुम तो डंडा दे दो भाई, कसम बहुत मारे ना कसम। ये छोटे बैठ जा यार, ओए बैठ जा यार, आएगा तो नहीं आएगा। जो भी लोग बाहर उनको बाहर आने से गेट बंद कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को दूसरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जबकि हम लोगों के समय में विद्यालय के बच्चों को राजनीति में भाग नहीं लिया जाता था, वो लोग केवल अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। सभी बच्चे शांतिपूर्वक बैठ जाए, शिक्षा ग्रहण करते थे और जो कुछ भी उनकी समझ में आता था कि ये देश की, क्योंकि वो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और ज्ञानपूर्ण थे, तो जानते थे देश में ये गड़बड़ी हो गई है या कुछ हो रहा था, तो उसके लिए अपना इनकलाब का नारा लगाते थे। सभी बच्चे एकजुट होकर उसका नारा लगाते थे, बच्चों को नारा लगाने से उनके गार्जियन भी उनके साथ जाते थे, इस तरह वो किसी भी समस्या को रोक लेते थे। लेकिन बीच में हमारे नेतों ने क्या सोचा कि इनमें कोई फूट डाली जाए, हैं? तब कि कुछ लोग हमारे साथ रहें, कुछ लोग विपक्ष में रहें, तब हम कामयाब होंगे, हम कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने क्या किया कि विद्यालय में इलेक्शन शुरू करवाए, नहीं तो पहले हम लोगों के समय में ऐसा होता था जो लड़का सबसे तेज तलाक होता था उसी को उसका अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए उनको दिया जाता था कुछ सब्जेक्ट, जैसे हिंदी लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, हिंदी ही राष्ट्र की संपर्क भाषा हो सकती है, इसके विषय में हमको अंग्रेजी में हिंदी में जो अच्छा भाषा लेता था वही लड़का जो है अध्यक्ष बनता था। क्योंकि वो लड़का तेज तर्रार था, विद्या में मनन करने वाला था, तो किसी प्रकार का करप्शन नहीं पैदा होने देता, केवल सबका ध्यान आकर्षित करता था ज्ञान की तरफ। लेकिन अब चाहे गधा हो चाहे कुछ भी हो, ना पढ़ा लिया निरक्षर नेता बन गए, हैं? नेता बन गए और दो तरफ से इलेक्शन बच्चों में हो गई,
दो टोलियाँ बन गई ना भैया, दो टोलियाँ बन गई, उनमें फूट हो गया और एक जो है कंसर्न पैदा कर रहा है एक शिक्षा की तरफ, उसको इंद्रावधान पैदा हो रहा है, कंसर्न इससे बढ़ा है। जब हमारी शिक्षा बाधित होगी, जब हमारे कर्णधार बाधित होंगे, बचपन से ही उन्हें ऐसी भावना डाली जाएगी बिखराव की, अखंडता को खंडित करने की, तब बताइए तब वो खंडित नहीं होंगे, तब शांति बनाइए, नहीं तो एक की बात सुनेंगे, एक मत में रहेंगे, खाली हमारा ध्यान है। पहले गाते थे विद्या के बल पे सारा संसार गिरा देंगे, जिस देश के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, अपने ही प्रदेश में अपने ही राष्ट्र में देख लीजिए, जहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं वहाँ के लोग तरक्की है कि नहीं। yes, हम याद देखिए हैं प्रधानमंत्री जी वहाँ में ही हमारे नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराएंगे लाल किला, वो लाल किला किसकी जमानत थी, हमारी राष्ट्र, आज उन्होंने गिरवी रख दिया है। सभी लोग शांति पूर्वक बातों को सुनिए, तो लाल किले पर अपना है झंडा रोहण का कर रहे हैं कि पूंजीपतियों के चरणों, आप लोग सोचिए वो अपना कर रहे हैं पूंजीपतियों, कह दिया सारी रेडियो पर, सारे मोबाइलों पर, सब जगह देश पूंजीवाद, किसी प्रकार का कंपनी नहीं है, क्यों कर दिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि हम परिवर्तन लाएंगे, हैं बहुत अच्छा परिवर्तन लाया हमारे वहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने, कि ऐसा परिवर्तन लाया कि देश को पूंजीपतियों के हाथे में सौंप कर देश पूंजीपति संपन्न हो गया है। अब हम लोग किसके हैं, देश पूंजीपति जिसने ये संपदा ग्रहण की, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप लोग भी सोचिए, बुद्धि सबकी नहीं, एक बच्चे से भी बुद्धि ली जाती है, एक बुजुर्ग भी बीमारी, सारे बच्चे शांति से बैठे शांति पूर्वक आप लोग है ये चीजों, तो हमारा जब शिक्षा संघ खंडित हुआ, यहाँ मास्टर मास्टर आपस में बच गए, दो टोलियाँ हो गई, वो हो गया, तो हमारी क्या मजा है कि हम किस करप्शन को रोक पाएंगे हैं, जब हमारे युवा वर्ग शिक्षित वर्ग उसको तो जो है दो फाट कर दिए, खंडित कर दिए। हम आज 26 जनवरी के दिन देश की अखंडता एकता इसकी कामना करके और अपने दिवंगत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की हम एकता करेंगे, लेकिन हम एक नहीं हो पाते हैं, जब इलेक्शन आता है तब तो दो लोग होकर है देखना मुझे वोट देना नहीं रहोगे नहीं, अब सरस्वती माता का दामन भी करेंगे, जोरदार तालियां बजाइए, अच्छा बंदूक की गलियां लगे, बताइए क्या रह गया, जब यहाँ हमारा ज्ञान जहाँ ज्ञान बांटा जाता है, जहाँ सरस्वती माता का वास होता है, सरस्वती सफेद वस्त्र को धारण करने वाली उसका वस्त्र है, तो सबसे पहले तो ये शिक्षा को महत्व देना क्या है, महात्मा बच्चों में कर्ता नहीं बने, दो टोली नहीं बने, तो ये सब बातें हैं,
ये तो वही बात हो गई, आग लगे हमारी मड़िया में हम गाई मल्हार। जोरदार तालियां अगर दूर से और हम किसी के गीत गाए जाओ क्या? पीछे से बच्चों का शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी के गीत गाए जा रहे हैं। अब मान लो कोई चीज में हार में समझ गया आप लोगों ने, है तो मैं अपने ही लोगों का कल्याण करूंगा कि तुम्हारा? बताइए, मैं पहले उनको हरी सबको वो करूंगा, फिर तुम्हारी कर दूंगा, है कि नहीं है? मैं पहले खातू भी है अपना साथ जो है करते करते हो खराब आप अच्छे, तो ये बात नहीं। इसके लिए हम तो बुजुर्ग हैं, हैं आज हैं किस बैठे आप लोग नहीं रहेंगे, देश का भार देश की है एकता देश की रक्षा तुम्हारे कंधों पे है, हैं हमारी समझ में जो आया वो तो आप लोगों को अवगत कराया हूँ। इसके बागे आप लोग सोचिएगा है, बच्चों मिलजुल कर रहिए, मिल बांट कर खाइए, अपने स्कूल के प्रांगण में किसी भी प्रकार की अभद्रता की भावना अपने अंदर मत पैदा करिए। जो कुछ भी समस्याएं हो, जो कुछ भी आपके दिल की उलझन हो, उसके लिए अपने अध्यापक से अपने और लोगों से संपर्क करके उसको कहिए। ये नहीं कि आप उसे झगड़ा करते हैं, पहले फैसला हम ही करो, हाँ घर में जाए प्रबंधक और टीचर, ऐसा मत सोचिए में अपना बुरा होता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं अपना नुकसान है। न प्रबंधक का नुकसान होगा, ना अध्यापक का होगा, ना प्रिंसिपल का होगा, ना किसी का, अपना नुकसान होगा है। हम अपना ध्यान बहुत कर देंगे और दूसरी तरफ है तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा मन हमेशा शिक्षा की तरफ बांटी, और देखिए देवी देवता हैं, उमा सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगला प्रोग्राम आप लोगों के समक्ष करीना और ग्रुप, अबे इनकी रिकॉर्डिंग